जमीन पे लड़ाई है हमारे पास आए और उन्होंने मुझे कहा, इन सब ने, रीजनल पार्टीज ने, इन्होंने मुझे कहा कि देखिए कांग्रेस पार्टी को पार्लियामेंट हाउस में सिटीजन अमेंडमेंट बिल को रोकना है। मैं एक बार कुछ कह देता हूं तो पढ़ देता हूं। मैं 15 लाख वाला वायदा नहीं करूंगा आपसे। मैंने उनसे वायदा किया था कि कांग्रेस पार्टी सिटीजन अमेंडमेंट बिल को राज्यसभा में रोक देगी और हमने अपना वायदा किया, हमने अपना वायदा किया, सिटीजन बिल को हमने राज्यसभा में रोक दिया। और मैं यहां स्टेज से आपको आश्वासन देना चाहता हूं, अमित शाह जी ने कहा है कि चुनाव के बाद सिटीजनशिप बिल को लाएंगे। सबसे पहले वो मर्डर अक्यूज ने, मर्डर अक्यूज ने कहा कि वो सिटीजनशिप बिल लाएंगे। मैं आपको कह रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मर्डर अक्यूज को, बीजेपी को हम सिटीजन अमेंडमेंट बिल नहीं लाने देंगे। पार्लियामेंट हाउस में इसको रोकेंगे, जमीन पर लड़ जाएंगे हम, मगर नॉर्थ ईस्ट पे सिटीजन अमेंडमेंट बिल नहीं होने वाला है। आपके पास पहले कांग्रेस पार्टी ने स्पेशल स्टेटस दिया था, हमने इस बात को माना था कि त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के बाकी प्रदेश यूनिक है, इनके सामने अलग अलग समस्याएं हैं, दूसरी तरीके की मुश्किलें हैं, तो हमने आपके लिए स्पेशल स्टेटस दिलवाया था, वो भी आपसे बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने छीना। जैसे हमारी सरकार 2019 में आएगी, हम आपको स्पेशल स्टेटस वापस दे देंगे। और सिर्फ वो नहीं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हुआ करती थी नॉर्थ ईस्ट के लिए, त्रिपुरा में, बाकी प्रदेशों में इंडस्ट्री लगाने के लिए, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने आपसे छीनी। वो भी हम आपको नॉर्थ ईस्ट को इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019 चुनाव जीतने के कम बाद वापस दे देंगे। और जो आपको यहां जिस चीज की आपको जरूरत है, इंडस्ट्री की, कारखानों की, सड़कों की, रेलवे लाइन की, एयरपोर्ट की, उस पर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में काम शुरू कर देगी। और कुछ ही समय में, मैं जानता हूं, कुछ ही समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार त्रिपुरा में भी आ जाएगी, राज करेगी। यहां के जो इंडिजिनस लोग हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बीजेपी आपसे जमीन छीनने की कोशिश करती है। हम आपके लिए ट्राइबल बिल लाए थे, इंडिजिनस लोगों की मदद करने के लिए, उनकी जमीन की रक्षा करने के लिए, उनको जमीन दिलवाने के लिए। उस बिल को भी नरेंद्र मोदी ने रद्द किया है, त्रिपुरा में उसको खारिज किया है। हम ट्राइबल बिल को इंडिजिनस लोगों के लिए यहां पे लागू करेंगे और आपकी जो जमीन है आपको वापस देने का काम हम शुरू करेंगे। और हमने जो वायदा किया था कि जो सत्ता है, जो पावर है, वो हम आपको वापस देंगे। आपकी जो लोकल काउंसिल्स है, उनको हम पावर देंगे, वो वायदा भी हम पूरा करके आपको देंगे। हम चाहते हैं कि आप इस प्रदेश को त्रिपुरा से, गांव से चला। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि यह प्रदेश नागपुर से चलाया जाए, आरएसएस चलाए। हम इस प्रदेश को नागपुर से कभी नहीं चलने देंगे, इस प्रदेश को त्रिपुरा के लोग चलाएंगे, त्रिपुरा के किसान चलाएंगे, त्रिपुरा के जनता चलाएंगे। नेशनल लेवल पे हमने निर्णय ले लिया है, पहले चौकीदार को 2019 में हटाएंगे, निकालेंगे, और जैसे ही दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आएगी, वैसे ही हम एक ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं। गारंटी मिनिमम आमदनी, मतलब हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी की सरकार बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डाल के दे देगी।
समझाना चाहता हूं। 2019 में जैसे ही चुनाव जीतेंगे एक मिनिमम आमदनी की लाइन बना दी जाएगी। सरकार कहेगी कि मिनिमम आमदनी की लाइन इतने रुपए की है और जो भी लोग जिनकी भी आमदनी उस लाइन से नीचे है उनके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डाल दिया जाएगा और उनकी आमदनी उस मिनिमम लाइन तक पहुंचा दी जाएगी। नरेंद्र मोदी अमीरों को पैसा देते हैं, हम गरीबों को पैसा देंगे। आपको करना है जो करो, आप 3.5 लाख उनको दो, उनका कर्जा कर माफ करो, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आप नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी जैसे चोरों को पैसा देते हो, हम उनका पैसा लेकर गरीब जनता को पैसा देंगे, सीधा बैंक अकाउंट में पैसा देंगे। करो जो आपको करना है। भाई और बहनों, चुनाव का समय है। कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूं, आप हमारी विचारधारा की लड़ाई लड़ते हो, आपसे यहां सिर्फ सरकार चुराई गई है, कांग्रेस पार्टी से चुराई गई है सरकार, पूरा देश जानता है। अरुणाचल में, त्रिपुरा में, गोवा में पैसे देकर आपका जो हक है आपसे छीना गया है। हम चाहते हैं कि त्रिपुरा को त्रिपुरा की जनता चलाए, त्रिपुरा के किसान चलाए। मैंने कहा कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को हम सीधा डायरेक्ट पैसा देंगे, डायरेक्ट फंडिंग देंगे। तो आपकी लड़ाई है, लोकसभा के चुनाव आपने जिताने हैं, दोनों की दोनों सीट कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी को दिलवानी है। आप दिन भर कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ते हो, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो जनता यहां आई है आपको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दूर दूर से आए, आपने मेरी बात सुनी, इतने प्यार से मेरी बात सुनी। बीजेपी देश को बांटने का काम करती है, नफरत फैलाने का काम करती है, कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम करती है, कमजोर लोगों की मदद करती है, प्यार की पार्टी है, प्यार और भाईचारे की बात करती है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमारी विचारधारा की लड़ाई लड़नी है। त्रिपुरा की जनता को आप बताइए कि त्रिपुरा के गरीब लोगों पे, त्रिपुरा की जमीन पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रहे हैं। सिटीजन अमेंडमेंट बिल आपके ऊपर आक्रमण है, नॉर्थ ईस्ट की जनता के ऊपर आक्रमण है। जनता को बताइए कि कांग्रेस पार्टी आपकी रक्षा कर रही है, कांग्रेस पार्टी त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के साथ खड़ी है और हम आपकी रक्षा करेंगे और जो भी आपके ऊपर आक्रमण करेगा हम आपके साथ मिलकर उनके खिलाफ लड़ेंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।